हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज करण स्क्वायर। यू आर वाचिंग मी एंड माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। सो 4.2 में आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 पे। सो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो 8 क्या है गाइस, यहां पे देखिएगा, 8 दे रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है और बोला गया है यहां पे कि विदाउट एक्सपेंडिंग आपको एक्सपेंड नहीं करना है। आपको जैसे हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, तो यहां पे आपको नहीं करना है, आपको यहां पे प्रॉपर्टीज यूज करनी है। सो प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं गाइस, इसमें इस क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में 2 प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। यहां पे प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। सो यहां पे 4.2 से पहले जो दो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग वाली है वो दोनों यूज होगी। सो मैं आपको स्टार्टिंग में आपको रिपीट कर देता हूं, जिसको क्लियर नहीं है गाइस तो ध्यान समझिएगा वो प्रॉपर्टीज, और आपको और तरीके से क्लियर करनी है तो आपकी बुक पे जाके आप प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कर सकते हो, ठीक है। सो यहां पे देखिएगा प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं वो, If the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। इसका मतलब क्या है कि यदि हम रो एंड कॉलम्स को आपस में चेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। सो कैसे नहीं आता है वो एग्जांपल को थ्रू समझाता हूँ उसको एक। तो यहाँ पे स्टूडेंट सपोज मैं यहाँ पे ए जो है वो लेता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये लिया मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया यहाँ पे सपोज, और यदि इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे स्टूडेंट सपोज वैल्यू आती है कितनी 20। मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेता हूँ सपोज, है ना, सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है, कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की कितनी आ रही है 20 आ रही है। सो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या वापस बोल देता हूँ, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड इफ इट्स कॉलम एंड रो आर इंटरचेंज। यदि कॉलम और रो जो है आपस में चेंज होगी तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। सो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे ये जो आपके पास आर वन है वो आपके पास सी वन बन जाएगा, जो आर टू है वो सी टू बन जाएगा, जो आर थ्री है वो सी थ्री बन जाएगा। सो यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, ये चीज आपके पास ये वैल्यू आ रही है जो ए बी सी है, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाए सपोज ए बी सी बन जाए, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाए डी ई एफ। हमने क्या किया, जो सेकंड रो जो दे रखी थी सेकंड कॉलम बना दिया, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दो जी एच आई, ठीक है। तो ये बना दिया, इसका मतलब हमने थर्ड चैप्टर में किया है मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सपोज आपको ए गिवन कर रखा है, ए दे रखा है 1 2 3 4, और यदि आपको ट्रांसपोज निकालना हो, ए टू दी पावर टी निकालना हो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना हो, तो हम क्या कर देते, यदि कॉलम को चेंज कर देते रो के अंदर या फिर रो को चेंज कर देते कॉलम में। सो मैं क्या करूं, यहां पे सिंपली रो को चेंज कर देते कॉलम में, सो 1 2 3 और 4, तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जितनी भी रोज थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, अदरवाइज ये भी बोल सकते हो आप रो को कन्वर्ट कर दिया हमने कॉलम में। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो जितनी भी 3 रोज थी उसको कन्वर्ट कर दिया 3 कॉलम्स में, तो ये क्या मिला आपको, ट्रांसपोज मिल गया, क्या मिला, ट्रांसपोज। सो ए टू दी पावर टी, सो यहाँ पे यदि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड करो तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास, 20 ही आएगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा गाइस। इसका मतलब क्या देखिएगा, यहाँ पे लास्ट में इसका रिजल्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर टी। सो यहाँ इसका मतलब क्या देखिएगा कि यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका हम उसका हम डिटरमिनेंट निकालें तो उसका डिटरमिनेंट वही होगा जो उसका ट्रांसपोज करने के बाद उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। और ट्रांसपोज कैसे निकाल देते हम, कि रो को चेंज कर देते हम कॉलम में या कॉलम को चेंज कर देते हम रो के अंदर। सो ये वैल्यू आ जाती है, ये आपके पास प्रॉपर्टी फर्स्ट है। अब प्रॉपर्टी सेकंड में बात करते हैं गाइस, तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, इफ एनी टू रोज एंड एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज then value of determinant are changes, sign of value of determinant are changes। वहां पे क्या होगा आपके पास, साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, उसकी उसकी वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, डिटरमिनेंट आपके पास ए गिवन है, तो यहाँ पे जब रो टू रो चेंजेस हो, रो टू रो चेंजेस हो या कॉलम टू कॉलम चेंजेस हो, तो उसके उसके न्यूमेरिकल साइन, उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज तो वही रहती है बट उसका साइन चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे देखिएगा, मैं सपोज यहाँ पे चेंजेस करूँ आर वन इंटरचेंज आर टू, सपोज ये चेंजेस कर दू आर वन इंटरचेंज आर टू, सो आपके पास सपोज ये वैल्यू आती है 20, स्टार्टिंग में जो वैल्यू ऑफ ए दे रखी है उसका मैं डिटरमिनेंट निकालू तो वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, रो टू रो चेंज कर दिया,
तो ये जो डी ई एफ है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा डी ई एफ, ये बना दिया मैंने। नेक्स्ट ए बी सी था और सेकंड रो बन गया ए बी सी और इसको मैंने चेंजेस किया नहीं है जी एच आई। अब यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूं तो उसमें साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो वही रहेगी बट उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 20 आएगी। तो उसकी वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 20 आएगी। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 2 क्या है आपके पास, इफ एनी टू रोज एंड एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट आर चेंजेस। सो वहां पे आपके पास जो साइन ऑफ डिटरमिनेंट होगा वो चेंज हो जाएगा बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। So, ये बात थी हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड की। सो अब चलते हैं आपके पास किस पे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है वो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एमएचएस एंड आरएचएस दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिएगा इसको मैं सपोज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए क्या ये आपके पास गिवन है एलएचएस, ठीक है, एंड ये आपके पास गिवन है एम एच एस और ये रखा आपके पास आर एच एस। सो एल एच एस एम एच एस एंड आर एच एस गिवन है। सो एल एच एस हम पहले प्रूव करेंगे एम एच एस मिडिल हैंड साइड और फिर मिडिल हैंड साइड से सॉल्व करेंगे आर एच एस, ठीक है। तो सबसे पहले पिक करता हूं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पिक किया मैंने एल एच एस, एल एच एस रखा आपके पास क्या ए बी सी एंड एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, ये रखा है। सो यहाँ पे इसको सोल्व करना है एम एच एस बनाना है। तो सिंपल आप देखो इन दोनों को एक बार कंपेयर करो, आप एलएचएस को और एमएचएस को जब कंपेयर करोगे ना तो एक्स वाई जेड जो है एक्स वाई जेड वो सेकंड रो का पार्ट है बट इस एमएचएस में किसका पार्ट है, वो फर्स्ट रो का पार्ट है। इसका मतलब इसको कहां होना चाहिए, फर्स्ट रो के अंदर होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले आर वन को इंटरचेंज कर देते हैं किससे, आर टू से। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, एलएचएस के अंदर एक्स वाई जेड किसका पार्ट बन रहा है, सेकंड रो का, बट इसको एमएचएस में कहां होना चाहिए था, फर्स्ट रो के अंदर होना चाहिए था। तो हम क्या करें यहाँ पे इसको फर्स्ट रो में ले जाते हैं और इसको यहाँ पे सेकंड रो में ले आते हैं। सो यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं हम आर वन इंटरचेंज आर टू, और जब रो टू रो चेंज हो या कॉलम टू कॉलम चेंज हो तो उसमें साइन बाहर आ जाता है इसका नेगेटिव का, ठीक है। सो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं आर वन इंटरचेंज आर टू, देखो ये तो बन गया एक्स वाई जेड फर्स्ट रो और एबीसी बन गया इसका सेकंड रो और पी क्यू आर में कोई चेंजेस नहीं किया आपने गाइस, यहाँ पे उसको एज इज राइट कर दिया। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि रो टू रो या कॉलम टू कॉलम चेंज होती है तो उसका साइन बाहर आ जाता है क्या, माइनस का वन या माइनस लिख दो या माइनस वन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि जो एबीसी आ रहा है आपके पास वो कहाँ पे आ रहा है, आपके पास थर्ड रो के अंदर आ रहा है, आपके पास थर्ड रो में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे जो सेकंड रो के अंदर आ रहा है एबीसी उसको कहाँ होना चाहिए, थर्ड रो में होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड रो एंड थर्ड जो रो है उसको मैं इंटरचेंज फिर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आर टू इंटरचेंज आर थ्री ऐसे कर सकते हैं हम, आर टू इंटरचेंज आर थ्री। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रो टू रो चेंजेस हो रहा है तो फिर साइन बाहर आ जाएगा। तो देखो एक्स वाई जेड जो एस इज रहा है उसको तो फर्स्ट रो पे होना था, अब उसको हम इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे गाइस, ये बन जाएगा पी क्यू आर, यहाँ पे कर क्या रहे आर टू इंटरचेंज आर थ्री, ठीक है। सो नेक्स्ट ये आ जाएगा इसकी जगह तो ए बी सी, तो ये हमने माइनस देखो जैसे हमने यहाँ पे आर वन इंटरचेंज आर टू किया था माइनस साइन बाहर आ गया था और यहाँ पे मैं आर टू इंटरचेंज आर थ्री करूंगा तो फिर माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस वन और ये माइनस वन, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आपके पास मिल गया एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड ए बी सी, तो ये आपके पास वैल्यू क्या मिल गई गाइस यहाँ पे एम एच एस। सो हमने यहाँ प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स क्या, सो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू एम एच एस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात करते हैं एम एच एस से कैसे प्रूव करेंगे आर एच एस। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यदि आपको राइट डाउन करना हो तो वीडियो को पिक करके या पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि MHS से हम RHS कैसे बनाएंगे, तो वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस पे करोगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 4.2 या एग्जाम्पल की बात करूं मैं गाइस, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे करोगे उतना ये बेटर आपको रिजल्ट देते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम MHS राइट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे MHS, तो MHS लेते हैं यहाँ पे MHS लिखा है एक्स वाई एंड जेड, नेक्स्ट तरीका पी क्यू आर, नेक्स्ट तरीका आपके पास ए बी सी, या आपके पास एम एच एस गिवन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एम एच एस ले लिया है, उसको आर एच एस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे गाइस देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना आपको यहाँ पे ये है कि जो वाई जो है ना, देखो आर एच एस की बात कर रहा हूं मैं, एम एच एस से आर एच एस बना रहा हूँ, ठीक है। तो वाई कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट पे आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है यहाँ पे,
और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वाई को यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की जगह होना चाहिए। इसका मतलब ये जो रो फर्स्ट है, रो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड जो है ना, वो आपस में इंटरचेंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटरचेंज। तो यहाँ पे कर देते हैं हम, देखिए यहाँ पे सी वन इंटरचेंज क्या कर रहा हूँ मैं, सी टू कर रहा हूँ, सी वन इंटरचेंज सी टू, वापस समझ देता हूँ यहाँ पे मैं। आपके पास जो यहाँ पे देखिएगा एमएचएस के अंदर वाई टू किसका पार्ट है, सेकंड एलिमेंट का पार्ट है, बट आरएचएस के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का पार्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो C1 है वो इंटरचेंज किससे हो रहा है, सी टू से हो रहा है। जब कॉलम टू कॉलम चेंज हो या रो टू रो चेंज हो तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है। तो हम यहाँ पे कॉलम चेंज करते हैं, सी वन इंटरचेंज सी टू, तो ये बन गया वाई क्यू बी, और ये आ जाएगा आपके पास एक्स पी ए, और ये आ गया आपके पास जेड आर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बनाना है क्या आपको, यहाँ बनाना है बी क्यू, उसके बाद देखो वाई के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो y के नीचे आपके पास साइड में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बट यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे y के नीचे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आपके पास क्यू आ रहा है, तो यहाँ y की बी को जो है वो कहाँ होना चाहिए, इस q की जगह होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, किसके अंदर चेंजेस होगा, यहाँ पे रो टू रो चेंज होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट चेंज होगा आपके पास आर टू, चेंजेस क्या होगा इंटरचेंज आर थ्री। वापस बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आर एच एस के अंदर वाई के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिएगा y के बाद b लाने के लिए मेरे को, तो पहले यहाँ पे नहीं लेके आएंगे, पहले यहाँ पे लेके आएंगे, तो उस b को ऊपर भेजना पड़ेगा आपको। तो यहाँ चेंजेस किस में हो रहा है, r2 इंटरचेंज r3 के अंदर, तो चेंज कीजिए, तो रो टू रो चेंज हो तो माइनस साइन बाहर आता है, तो माइनस का वन ऑलरेडी था, फिर माइनस वन बाहर आ गया। तो यहाँ पे वाई एक्स जेड एस डिज राइट किया मैंने, उसके बाद ये इंटरचेंज कर दिया, आ गया बी ए सी, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्यू पी आर। ठीक है, ये आ गया आपके पास वैल्यूज, तो ये बी ए सी बन चुका है। उसके बाद सिंपल आपको रूल क्या करना है, मैंने बताया आपको गाइस कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, सो उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल बनेगी ऑलवेज, उसका हम ट्रांसपोज करके उसके बाद यदि उसकी वैल्यू निकालो डिटरमिनेंट की, तो वो इक्वल होती है आपस में। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है आपको, ए इज इक्वल टू जो होता है वो ए टू द पावर टी के इक्वल बनता है। ए इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर टी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ए जो इज इक्वल टू ए टू द पावर टी, यदि उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो आपस में क्या होगा, आपके पास इक्वल बनेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज ऑफ ए, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज आप कर दो, तो ये तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, ये तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपके पास प्लस साइन। ठीक है, तो इसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज में कर देता हूँ, देखिएगा इसमें चेंजेस कर दीजिए, जो आपके पास फर्स्ट रो है उसको बना दो मैं फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम बना दो उसको, तो ये बन जाएगा y, देखिए इधर बना देता हूँ उसको y x z। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बना रहा है यहाँ पे, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, सो b a एंड c, एंड जो थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड जो कॉलम है, थर्ड कॉलम है उसको क्या बनाओगे, थर्ड रो, या फिर आपके पास जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दो, तो ये बन जाएगा क्यू पी आर। अब देखिए क्या आ रहा है आपके पास, वाई बी क्यू, वाई बी क्यू, एक्स ए पी जेड सी आर, तो आपके पास क्या आ गया उसके साइड आर एच एस। ठीक है, सो हमने क्या बना दिया, देयरफॉर एम एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। तो क्या गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे सी वन इंटरचेंज सी टू क्या था, यहाँ पे आर टू इंटरचेंज आर थ्री किया है, और इधर मैंने क्या किया, जो दे रखा उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, यदि हम चेंज करते हैं रो टू कॉलम या कॉलम टू रो में, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो उसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, आपके पास वैल्यू फाइंड हो गई है, सो एम एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया। तो लास्ट में राइट कर सकता हूँ, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू एम एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये क्या होता है, हेंस प्रूव होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 9 एंड 10 11 पे, सो राइट डाउन कर सकते हो गाइस इसको आप।